न्यूजीलैंड ने इस टी20 वर्ल्ड कप में पुष्पा भाव जैसा एंट्री मारा है, एकदम सबको चौंका दिया। और दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जो गिरते पड़ते लुढ़कते हुए किसी तरह सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। और आज इन दोनों के बीच में पहला सेमीफाइनल है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन जीतेगा। न्यूजीलैंड की बात करें तो उसमें फिन एलन, गेन फिलिप्स और नेशम और केम विलियमसन जो कैप्टन साहब हैं, ये लोग का बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है अभी। और साथ में ट्रेंट बोल्ट और टीम सऊदी का ये लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है, क्योंकि इसके बाद उनको शायद मौका ना मिले खेलने का। और दूसरी तरफ है ट्रेंट बोल्ट, ये काफ़ी मतलब प्रभावित किए हैं न्यूजीलैंड का बॉलर, बहुत अच्छा। मतलब ये दोनों मिल करके टीम सऊदी और ट्रेंट बोल्ट दोनों अभी तक 2015 से 3 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। सो गाइज, एक तरफ है काफ़ी जो मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्म में चल रहे टीम न्यूजीलैंड, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान टीम का क्या है, शादाब खान जो है अच्छा फॉर्म उसमें दिखाया गया, उसका साहिद अफरीदी वो भी अच्छा फॉर्म बैक आ चुके हैं, और बाबर और रिजवान का तो ऐसा पार्टनरशिप ओपनिंग जोड़ी चल रहा है ना, पूरा पाकिस्तानी फैंस लोग बोल रहे हैं कि आप आ जाओ हम चले जाते हैं। तो ये दूसरी तरफ ये इन लोगों का, दूसरी टीम का ये हाल है। तो गाइज, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा टीम आज सेमीफाइनल में जीतने वाला है और इंडिया के साथ उनका मैच होने वाला है, क्योंकि इंडिया तो पक्का इंग्लैंड से जीतेगा ही, इतना भरोसा है। ठीक है, तो गाइज चलिए देखते हैं, अभी थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है और मजा करते हैं। टीम को किसको सपोर्ट कर रहे हो आप कमेंट सेक्शन में, मैं तो न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ, देखो ब्लैक जर्सी।